झारखंड के आर्थिक स्थिति की हुई समीक्षा, जाने कितनी प्रतिशत तक खर्च करने की मिली अनुमति। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने अपनी आर्थिक स्थिति की समीक्षा करने के बाद दिसंबर तक खर्च करने की सीमा 75% करने का फैसला किया है। इससे पहले दिसंबर महीने तक सिर्फ 50% तक ही खर्च करने की अनुमति थी। वित्त विभाग ने खर्च की सीमा बढ़ाए जाने से संबंधित आदेश जारी कर दिया है। चालू वित्तीय वर्ष की शुरुआत की कोविड-19 के शुरुआती दौर पर व्यापारिक गतिविधियों की पूरी तरह बंद रहने से राज्य सरकार के सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया। इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने खर्च को नियंत्रित करना शुरू किया। इसके तहत सरकार ने अपनी आर्थिक स्थिति के अनुरूप ही विभाग को खर्च करने की अनुमति दी। प्रारंभिक दौर में वेतन भत्ता कोविड-19 के बचाव और इलाज के जरूरी खर्चों सहित गरीबों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के लिए ही पैसों की निकासी की अनुमति दी। खबर है हजारीबाग से। हथियार के साथ नक्सली गिरफ्तार, आरोपी रंगदारी और लेवी वसूली में था शामिल। कटक मसांडी थाना क्षेत्र के आरा भूसाई पंचायत के बचरा गाँव से पुलिस ने TPC का नक्सली को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली के पास से एक देसी बंदूक, दो कारतूस और एक बाइक बरामद की गई। हजारीबाग SP कार्तिक S ने बताया कि गिरफ्तार जितेंद्र कुमार भोक्ता द्वारा हथियार के बल पर रंगदारी और लेवी वसूलने के गुप्त सूचना आ रही थी, इसी आधार पर कार्रवाई की गई है। कटक मसांडी थाना की पुलिस समेत CRPF 22 बटालियन के पदाधिकारी व सशस्त्र बल की छापेमारी टीम का गठन किया गया था। इधर कटक मसांडी थाना प्रभारी अरुण कुमार रवानी ने बताया कि पूछताछ के क्रम में TPC के सदस्य लुलुहा उर्फ रंजीत के साथ मिलकर जितेंद्र TPC के लिए काम करता था। हथियार भी लुलुहा ने ही जितेंद्र कुमार भोक्ता को दिया था। लुलुहा उर्फ रंजीत फिलहाल चतरा जिला में बंद है। चतरा में 5 किलो अफीम के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार, सप्लाई करने ही वाले थे। सदर थाना क्षेत्र पराढ़ी पंचायत के डोमन बगीचा से 4 अफीम तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से पुलिस ने 5 किलो अफीम बरामद किया है। कार्रवाई शुक्रवार की देर शाम की है। SDPO अविनाश कुमार और सदर थाना प्रभारी लव कुमार ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। गिरफ्तार लोग में से मो अल्तमस, मोन नाहिर, संदीप और अमित कुमार शामिल है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि चारों आरोपी हरियाणा और पंजाब के तस्करों को अफीम सप्लाई करने की तैयारी में है। इसी बीच पुलिस ने कार्रवाई की और चारों को गिरफ्तार कर लिया। रेलवे बोर्ड ने दे दी हरी झंडी, राउरकेला तक व रांची जयनगर ट्रेन का विस्तार। रांची जयनगर ट्रेन का विस्तार अब राउरकेला तक किया जाएगा। रेलवे बोर्ड ने इसकी स्वीकृति दे दी है। बोर्ड द्वारा जारी पत्र में लिखा गया है कि राउरकेला रांची जयनगर ट्रेन 18605 सप्ताह में 3 दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को ही चलेगी। रेलवे बोर्ड द्वारा जारी पत्र के अनुसार ट्रेन राउरकेला से शाम 5 बजकर प्रस्थान करेगी और रांची 8 बजकर 20 मिनट पहुंचेगी। अगले दिन सुबह 11 बजकर 55 मिनट में ट्रेन जयनगर पहुंचेगी। जयनगर से ट्रेन संख्या 18606 बुधवार, शुक्रवार और रविवार को चलेगी। ट्रेन जयनगर से शाम 7:30 बजे रवाना होगी और रांची सुबह 10:55 में पहुंचेगी। यह खबर है रांची से। गाय की नई नस्ल तैयार कर रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी। झारखंड के किसानों को मुफ्त में देने की है योजना। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और झारखंड के माही महेंद्र सिंह धोनी के खेल के साथ साथ जैविक खेती और पोल्ट्री फार्म के बाद अब पशुपालन की ओर कदम बढ़ाए हैं। धोनी अपने फार्म में नई नस्ल की गाय तैयार कर रहे हैं। इन गायों को झारखंड के किसानों को मुफ्त में देने की योजना बनाई है। रांची के सबों में भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी का फार्म हाउस है। इसे लोग इजा फार्म हाउस के नाम से भी जानते हैं। धोनी अपने हाउस में इन दिनों माही डेनमार्क की गायों की तरह नई नस्ल के गाय को तैयार कर रहे हैं। इन गायों को तैयार करने के 1 साल बाद उन्हें झारखंड के किसानों को मुफ्त में देने की योजना बनाई है। हालांकि माही ने अपने इस योजना को सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन फार्म हाउस से जो बातें छनकर बाहर आ रही है उससे धोनी का ग्रो प्रेम भी एक है। यह खबर है रांची से। सड़क निर्माण में गड़बड़ी पर भड़के विधायक CP सिंह, बोले अभियंता का वेतन काट कर कराएंगे निर्माण।
रांची नगर निगम की ओर से वार्ड संख्या 30 में पुलिस लाइन मुख्य सड़क से पुलिस लाइन मेन गेट तक और पुलिस लाइन मुख्य सड़क से बिजली विभाग के कार्यालय तक सड़क के चौड़ीकरण और कालीकरण के काम का विधायक सीपी सिंह ने शनिवार को शिलान्यास किया। विधायक ने शिलान्यास नारियल फोड़कर किया। इस मौके पर विधायक सीपी सिंह ने कनीय अभियंताओं को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि कृष्णा नगर कॉलोनी में नगर निगम की तरफ से कराया जा रहा काम मानक के अनुरूप नहीं है। लोगों को दुकान में पान मसाला और जर्दा एक साथ उपलब्ध, ये कैसा प्रतिबंध है? सरकार बताए बिक्री पूरी तरह रोकने के लिए क्या योजना बनाई है? झारखंड हाई कोर्ट में गुटखा पर प्रतिबंध लगाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद के खंडपीठ में शुक्रवार सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने पूछा कि गुटखा रोकने के लिए इससे पहले हो रहे रोग में कितनी कमी आई। इस पर सरकार ने रिसर्च की, इस पर विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया गया। चीफ जस्टिस ने पूछा कि पान मसाला और जर्दा दोनों बाजार में उपलब्ध है, इस पर सरकार द्वारा रोक नहीं लगाई गई, लोगों को एक ही दुकान में दोनों चीज मिल रही है और खा लेते हैं, ऐसे में सरकार द्वारा गुटखा पर रोक लगाया गया, यह कैसी है रोक है? सरकार यह बताए कि पूर्णतः रोक लगाने के लिए क्या योजना बनाई गई है, पूरी रिपोर्ट पेश करें। अब खबर जाने थोड़ी ट्रेन अपडेट से। हटिया से खुलने वाले कई स्पेशल ट्रेनों के ठहराव और समय में हुआ बदलाव। दक्षिण पूर्व रेलवे जोन के तहत राजधानी रांची के हटिया रेलवे स्टेशन खुलने वाले कई स्पेशल ट्रेनों के ठहराव और समय में बदलाव हुआ है। वहीं रांची नई दिल्ली रांची राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन के समय में भी बदलाव हुआ है, तो आइए जानते हैं। रांची से नई दिल्ली जाने वाले रांची नई दिल्ली रांची राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन के समय में बदलाव हुआ है। गुरुवार और रविवार को रांची रेलवे स्टेशन से खुलने वाली राजधानी एक्सप्रेस शाम 5:15 प्रस्थान करेगी। यात्रीगण कृपया इस बात को नोट कर लें, वरना राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली जाने की आपकी योजना में कहीं ट्रेन न छूट जाए। खबर देश दुनिया और देश की विभिन्न योजनाओं और खेलों से। हैदराबाद चुनाव में भाजपा ने बनाई बम्पर बढ़त तो खिसिया गए तेलंगाना के मंत्री, दिया ये बयान। भाजपा की बम्पर बढ़त से ओवैसी के खेमे में सन्नाटा पसर गया है। वहीं सत्तारूढ़ टीआरएस खेमे में भी खलबली मच गई है। इसका अंदाजा तेलंगाना के मंत्री के बयान से ही लगाया जा सकता है। तेलंगाना की सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के नेता और मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव में क्या जरूरत है कि केंद्रीय नेताओं की। उन्होंने कहा कि भाजपा को बड़े नेताओं से चुनाव प्रचार नहीं करवाना था। उन्होंने कहा कि किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उस पर कुछ नहीं बोलते, यहाँ प्रचार करने आ गए थे। यूपी विधान परिषद चुनाव में भाजपा ने जीती सबसे ज्यादा सीटें, कांग्रेस का सुपड़ा हुआ साफ। उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद चुनाव में भाजपा ने दमदार प्रदर्शन करते हुए सबसे ज्यादा सीटें हासिल की है। भाजपा ने 3 सीट पर कब्जा कर लिया है। समाजवादी पार्टी को 1 सीट पर जीत मिली है। वहीं सभी सीटों पर कांग्रेस साफ हो गया है। 2 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों की विजय हुई है। बीजेपी की स्ट्राइक से बिगड़ा ट्रिगर हैदराबाद नगर निगम का गणित, जाने अब क्या होगा। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद भारतीय जनता पार्टी का जोश हाई है। हालांकि नतीजों में टीआरएस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान भी उसी को हुआ है। वहीं अपनी साख बचाने में कामयाब रहे एआईएमआईएम के अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद ओवैसी गदगद दिखे। पूरे देश में दंगे भड़काने के लिए 120 करोड़ पीएफआई एक्सपोज हो गया, अब जल्द लग सकता है बैन। पिछले एक वर्ष से देश में हो रहे दंगों में इजाफा देखने को मिला है और इन दंगों को आयोजित करके उसके लिए फंड जमा करने और अंजाम देने में पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का सबसे बड़ा हाथ है। इस संगठन के एक के बाद एक कई सदस्यों से अब पर्दा उठता जा रहा है। अब मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ईडी ने बताया कि पीएफआई को 120 करोड़ रुपए मिले थे, जिससे वह देश भर में दंगे करवा सके। अब जिस तरह सबूत सामने आ रहे हैं, जल्द ही सरकार को इस संगठन को बैन कर देना चाहिए।
अपराधी बच नहीं पाएंगे। किसी भी प्रदेश में एक क्लिक पर हो सकती है देश भर के अपराधियों की पहचान। देश में कहीं भी अपराध करके दूसरे राज्य में छुपने और बच निकलने वाले अपराधी अब बच नहीं पाएंगे। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ऐसी केंद्रीकृत योजना पर काम कर रहा है जिसके तहत देश के हर राज्य के अपराधियों की प्रिंटिंग सहित अन्य तमाम जानकारियां ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगी। इसके लिए किसी भी राज्य की पुलिस देश के किसी भी क्षेत्र के अपराधी की जानकारी प्राप्त कर सकेगी। इसके अपराधियों को पकड़ना आसान हो जाएगा। भारत में बनाया गया सॉफ्टवेयर को विन मिलेगी कोरोना वैक्सीन की रियल टाइम जानकारी। कोरोना वैक्सीन के जल्द ही आने की उम्मीद है। ऐसे में भारत सरकार पूरे जोर शोर से इसकी तैयारी में लगी है। भारत में काम कर रहे 1 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर्स को सबसे पहले यह वैक्सीन दी जाएगी, जिनका डाटा भी जुटाया जा रहा है। इसी के साथ एक और खास बात है कि वैक्सीन आने के बाद इससे जुड़ी सभी जानकारियाँ से आम लोगों भी अप टू डेट कर सकेंगे। उन्हें पता चल सकेगा कि कितने लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, कितनों में लगनी बाकी है, इसकी व्यवस्था भी सरकार ने कर दी है। नई संसद भवन में एक साथ बैठ सकेंगे 1124 सांसद। आजादी के 75वें वर्ष पर हो सकता है शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 दिसंबर को नए संसद भवन की आधारशिला रखेंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शनिवार को इस बात की पुष्टि की। ओम बिरला ने कहा 10 दिसंबर को पीएम भूमि पूजन करेंगे, जिसके बाद नए संसद भवन की आधारशिला रखी जाएगी। इसके बाद 11 दिसंबर से नए संसद भवन का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। सीएम अशोक गहलोत का बीजेपी पर प्रहार, कहा राजस्थान में सरकार गिराने का खेल फिर शुरू होने वाला है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ताजा बयान से सियासी हड़कंप मच गया है। शनिवार को सीएम गहलोत ने राज्य की राजस्थान में सरकार गिराने का फिर से खेल शुरू होने वाला है। महाराष्ट्र सरकार गिराने के भी चर्चाएं हैं। अयोध्या में होगी फिल्म राम सेतु की शूटिंग। संत बोले, सीएम योगी ने की एक नए युग की शुरुआत। राम नगरी अयोध्या में एक बार फिर राम सेतु फिल्म की शूटिंग होने जा रही है। सूत्रों के माने तो महाराष्ट्र दौरे पर गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिल्म के अभिनेता अक्षय कुमार से मुलाकात कर अयोध्या में शूटिंग करने की अनुमति मांगी थी। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री के द्वारा उनको अनुमति भी दी गई है। उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी निर्माण की घोषणा के बाद लगातार फिल्मी जगत से जुड़े हुए हस्तियों के लिए पहली पसंद उत्तर प्रदेश है, और खासकर अयोध्या राम की नगरी में बीते दिनों एक बड़े बैनर की वेब सीरीज की शूटिंग पूरी हुई है। कृषि कानून रद्द नहीं करेगी सरकार, एमएसपी और मंडी पर लिखित आश्वासन देने को तैयार। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों और सरकार के बीच 5वें दौर की वार्ता जारी है। बैठक भवन में दोपहर करीब 2 बजे शुरू हुई बैठक में 40 किसान संगठनों के प्रतिनिधि और सरकार के मंत्रियों के बीच चर्चा हो रही थी। सूत्रों के मुताबिक सरकार कृषि कानून रद्द नहीं करेगी और मंडी पर लिखित आश्वासन देने को तैयार है। एक से ज्यादा है बैंक में अकाउंट तो हो सकती है मुश्किलें, ऐसे कराएं बंद। बैंक आजकल अकाउंट पर कई तरह के ऑपरेशन चार्ज वसूलते हैं। अगर आपके पास एक से अधिक बैंक सेविंग अकाउंट है तो जाहिर है आपको अधिक चार्ज बैंकों को देने होंगे। फाइनेंशियल एडवाइजर भी सलाह है कि जरूरत से ज़्यादा सेविंग अकाउंट नहीं रखने चाहिए। अगर आपको भी लगता है कि आपके पास अनावश्यक सेविंग अकाउंट है तो आप ऐसे क्लोज करा सकते हैं। इसके लिए कुछ प्रक्रिया अपनाने होते हैं। 1 जनवरी से महंगा होगा UPI से ट्रांजैक्शन करना, देना होगा एक्स्ट्रा चार्ज। आगामी 1 जनवरी से पूरे देश में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के जरिए किसी को भी पेमेंट करना महंगा साबित होगा। इसके लिए यूजर्स को अतिरिक्त चार्ज देना होगा अगर कोई व्यक्ति थर्ड पार्टी ऐप का इस्तेमाल करता है। कल फिर बढ़ गए पेट्रोल डीजल के दाम, फटाफट चेक करें आपके शहर में रेट। प्राप्त जानकारी के मुताबिक तेल मार्केटिंग कंपनियां ने पेट्रोल के दाम में दिल्ली में 27 पैसे, कोलकाता और मुंबई में 26 पैसे जबकि चेन्नई में 24 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इसके अलावा डीजल के दामों में भी इजाफा किया गया है। डीजल के दामों में दिल्ली और कोलकाता में 25 पैसे प्रति लीटर जबकि मुंबई में 27 पैसे और चेन्नई में 24 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना लीज से हटाए गए 2 करोड़ किसान, कहीं आप भी तो शामिल नहीं? जांच करें अपने नाम को। केंद्र सरकार ने देश भर के किसानों को दी जाने वाली 6,000 रुपए की सहायता वाली पीएम किसान सम्मान निधि योजना से 2 करोड़ से अधिक किसानों को हटा दिया है। सरकार फिलहाल किसानों के खाते में 7वीं किस्त के तहत 2,000 रुपए ट्रांसफर कर रही है। अब खबर खेल जगत। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज निर्णायक मुकाबला, देखें किसका पल रहा भारी। आज सिडनी में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा निर्णायक मुकाबला खेला जाएगा। रविंद्र जडेजा इस मैच से बाहर रहेंगे, इसके बावजूद भारतीय टीम बेहद संतुलित और मजबूत है। ऑस्ट्रेलिया के कई खिलाड़ी घायल हैं, इसमें कप्तान एरोन पिंच के भी खेलने पर संदेह है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।